पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और आज से शुरू हुए 18 साल से ऊपर के लोगों के वैक्सीनेशन अभियान का निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी मुरादाबाद ने जनपद के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया और वहां पर किए जा रहे वैक्सीनेशन के कार्य को भली भांति जाना। इस दौरान RRT टीमों द्वारा किए जा रहे कार्य का भी निरीक्षण किया, तो वहीं कितनी दवाई का वितरण किया गया है और टीकाकरण किस तरह से चल रहा है, इन पर भी गहनता से जांच की गई। इस दौरान जिलाधिकारी मुरादाबाद के द्वारा कहा गया कि एक आशा को 200 घरों का सर्वे करना है और जिस घर के व्यक्ति को किसी भी प्रकार का लक्षण अगर दिखाई देता है तो उसे पहले ही दवाई दे दी जाएगी। जनपद की ज़्यादातर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो हमारे हैं उन पे हम जा रहे हैं। हम खास तौर से ये देख रहे हैं कि जो हमारी RRT टीमें हैं जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट का केयर कर रही हैं वो ठीक प्रकार से काम कर रही हैं अथवा नहीं कर रही हैं। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से उन पेशेंट्स को जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको कॉल किया जा रहा, नहीं किया जा रहा, उनको दवाएँ वितरित की जा रही, नहीं की जा रही। और हमारा अभी 5 से लेकर 9 तक जो अभियान चला था उसमें दवा वितरण में क्या प्रगति इन लोगों के द्वारा की गई है इसको भी हम अपने इस भ्रमण में मूल्यांकन कर रहे हैं। साथ ही जो है आज से 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनका टीकाकरण प्रारंभ हुआ है। जो लोग कोविन पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं 18 साल से ऊपर के लोग, तो वो भी देखना एक उद्देश्य था और उसमें ये बताना था कि जो उतने लोगों को बुलाएं जितने लोगों का टीकाकरण कर सकें, साथ ही वेस्टेज जो है वैक्सीन का वेस्टेज ना के बराबर हो ये सुनिश्चित करें। तो अभी मैंने जैसे भोजपुर में हमने देखा जी, अभी हमने ताजपुर में भी जा कर के देखा और मैं ठाकुर द्वारा में यहाँ पे हूँ और मैंने डिलारी में अब तक मैंने 4 जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनका निरीक्षण किया है और सभी जगह पर हमारा टीकाकरण का कार्य अच्छा चल रहा है, दवा वितरण का भी कार्य अच्छा हुआ है और जो RRT टीमें हैं वो भी अच्छे से काम कर रही हैं। तो कुल मिला करके जो कार्य है संतोषजनक है, फिर भी हमने उनको इसमें और सुधार करने की ज़रूरत बताई है और आशाओं के माध्यम से मैंने कहा है कि आशाओं के माध्यम से प्रत्येक आशा जो है वो 200 घर का सर्वे करना है उसको, तो वो बाकायदा लिस्ट बनाए 200 घरों की और उसमें कोई भी लक्षण युक्त व्यक्ति अगर है तो उसको पहले ही दवा दे दें, उसकी टेस्ट रिपोर्ट आती रहेगी, जब टेस्ट रिपोर्ट आएगी तो उसको और भी प्रोटोकॉल बताया जाएगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।